स्वागत आप सभी का नए वीडियो में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकुश यादव ब्लॉग्स। सवाल ये है कि जो भी अवध विश्वविद्यालय की 21 जुलाई से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, फाइनल वर्ष की बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, थ्योरी के एग्जाम्स तो निर्धारित हो गए, डेट आ गई, क्या इनकी प्रायोगिक परीक्षाएँ भी होंगी? मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है, इसे बीए फाइनल में होम साइंस सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, ठीक है, जो प्रायोगिक सब्जेक्ट है जैसे आर्ट है, क्या इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो रेगुलर तो थ्योरी वाले वो होने, लेकिन क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होंगे या नहीं होंगे? एम कॉम में, बी कॉम फाइनल में लास्ट जो पेपर होता है उसमें वाइवा होता है, क्या वाइवा होगा या नहीं होगा? तो साफ साफ ये क्लियर कर दें कि अभी सिर्फ अवध विश्वविद्यालय थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए शेड्यूल निर्धारित किया है, जो कि परीक्षाएँ 21 जुलाई से प्रारंभ होंगी फाइनल वर्ष की। अभी प्रैक्टिकल के लिए कोई निर्देश नहीं है और जो अनुमान है 99% की प्रायोगिक परीक्षाएं कोई भी नहीं होंगी। अगर सिचुएशन बेहतर रहती है तो एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के बीच में प्रैक्टिकल करा सकते हैं। अभी इसके लिए कोई आधिकारिक न्यूज़ नहीं है, बहुत जल्द ही जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है वीडियो के माध्यम से हम वीडियो रिलीज करेंगे चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाला जो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। लेकिन आप परीक्षाओं की तैयारी पूरी करिए, 21 जुलाई को परीक्षा होगी, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ईद है 21 को, लेकिन फिर भी परीक्षाएं होंगी क्योंकि विश्वविद्यालय ने स्कीम जो है वो निर्धारित कर दिया है पहले से ही। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। आप जहां कहीं भी हैं सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।